हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टॉलीवुड अपडेट्स। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कलर्स टीवी के सीरियल जुनूनियत के बारे में, जो कि उड़ारियां के प्रोडक्शन हाउस की तरफ से कलर्स टीवी पे लाया गया था, जिसमें हमें गौतम विज और अंकित गुप्ता दोनों देखने को मिले थे एंड नेहा राणा फीमेल लीड देखने को मिली थी। सीरियल को हाई होप्स के साथ लॉन्च करा गया था, इसके होप्स में कि बिग बॉस के खत्म हो जाने के बाद ये दोनों कंटेस्टेंट्स को देखने बिग बॉस की काफ़ी ऑडियंस इस सीरियल की ओर आएगी। कुछ ऑडियंस इंडीड आई है, लेकिन वैसे नंबर्स सीरियल नहीं लेकर आ पाया जैसा कि कलर्स टीवी चाहता था, और इवन कई हफ्तों वन से नीचे भी गई है इसकी टीआरपी। बट ये चीज़ भी समझ में आती है बिकॉज आईपीएल का इफेक्ट भी पड़ रहा था। लेकिन गाइज, मैंने आपको बताया था कि कलर्स टीवी के शोज़ के लाइनअप में आपको बहुत चेंज देखने को मिलेगा एंड आईपीएल के बाद वाले समय में बहुत सीरियल्स ऑफर जाएंगे एंड लाइनअप में बहुत चेंज देखने को मिलेगा। और इसी के चलते हुए जुनूनियत के लो नंबर्स को देखते हुए करंटली ये सीरियल ऑफर के खतरे में आ चुका है, ऑफर के डेंजर में आ चुका है। यानी कि ये शो करंटली अंडर स्कैनर है, और अगर आने वाले हफ्तों में इसकी टीआरपी 1+ नहीं होती और बेटर नहीं होती उस हिसाब से जिस तरह की इंप्रूवमेंट कलर्स टीवी चाहता है, तो इस सीरियल को ऑफर का नोटिस भेज दिया जाएगा। बात को ध्यान से सुने, अभी तक कोई भी ऑफर का नोटिस नहीं भेजा गया है सीरियल की टीम को, लेकिन शो अंडर स्कैनर आ गया है। आने वाले हफ्तों में भी अगर कोई इंप्रूवमेंट अच्छी खासी देखने को नहीं मिलती शो की टीआरपी में, तो इसको ऑफर का नोटिस भेज दिया जाएगा। सीरियल के मेकर्स के साथ कलर्स टीवी की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, तो काफ़ी इसको टाइम मिला है इम्प्रूवमेंट वगैरह करने के लिए, और अगर इम्प्रूवमेंट आती है तो सीरियल के सच में चांस हैं बचने के। ऑल दो धर्मपत्नी अच्छी टीआरपी लेकर आ रहा था, डिसेंट था स्टार्ट से, बट स्टिल उसको ऑफर करने का नोटिस काफ़ी जल्दी लिया गया, डिसीजन काफ़ी जल्दी लिया गया। जुनूनियत को स्टिल थोड़ा टाइम दिया गया है इम्प्रूवमेंट पीरियड के लिए, तो अगर इसकी टीआरपी बढ़ती है बचने के चांस हैं। बट करेंटली अंडर स्कैनर आ चुका है ये शो, और आने वाले महीनों में ऑफर जाएगा अगर टीआरपी में इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलती। अभी बहुत देर पहले मैंने वीडियो बनाया था तेरे इश्क में घायल के ऑफर जाने के बारे में, जो कि लोग अब रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको काफ़ी देर पहले बता दिया था कि आईपीएल के बाद ये सीरियल बंद हो जाएगा, तो वो भी होने ही वाला है। और भी काफ़ी सीरियल्स के बारे में आपको खबर सबसे पहले दी थी, धर्मपत्नी के बारे में, अग्निसाक्षी के बारे में, और अब जुनूनियत के ऑफर डेंजर के बारे में आपको बता रहा हूँ। जब भी ऑफर कंफर्म हो जाएगा, यानी कि ऑफर का नोटिस अगर जाता है या फिर ऑफर का जो डिसीजन है वो नहीं लिया जाता है, यानी कि जो भी इस पर अपडेट होगा उस पर वीडियो बनाकर ज़रूर आपको बता दूंगा, आपको अपडेटेड रखूंगा। वीडियो को लाइक शेयर करिए, कमेंट्स में अपनी राय बताइए, और जुनूनियत की सारी अपकमिंग न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आप कोई अपडेट मिस ना करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।